सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू यूनिवर्सल स्टडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी नए कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि नए वीडियो सबसे पास आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग आप लोग को देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आज लोग हम देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम भारतीय इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे 200 क्वेश्चन। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका पीडीएफ लेने के मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। तो चलिए देखते हैं, और पहला इसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है। पहला सवाल स्टार्ट हुआ, 1600 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ठीक है, वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे दोस्तों, बताना ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग बताइए इसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और आंसर इसका बता देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग का डी करेक्ट हो जाएगा, इंद्र। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको, देखिए प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है दोस्तों। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, आप लोग सी करेक्ट हो जाएगा मोनू। ठीक है, आप लोग सिर्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद तो मैं आंसर बताऊंगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो आप लोगों को 18 डी करेक्ट है, 18। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं। वैदिक काल के सामाजिक विभाजन का आधार क्या था दोस्तों, बताना है। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का वी करेक्ट है, व्यवसाय। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग का पहला करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, महावीर किस मतलब राज्य घराने में पैदा हुए थे, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी देख लीजिए, तो आप लोग का छत्री बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख ले, महावीर स्वामी जैन तीर्थकर थे दोस्तों, बताइए कौन से तीर्थकर थे। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख ले, जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कुशीनगर, वैशाली या राजगिरी या पालापुरी। तो दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग का डी करेक्ट हो जाएगा, पालापुरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए आगे, निम्न में से कौन से जैन धर्म के चित्रंत्रों में शामिल नहीं है, त्रिरंत्रों में शामिल नहीं है। तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 क्वेश्चन का, तो आप लोग का ईश्वर में अस्था, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख ले, जैनों का कौन सा वर्ग सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनता है दोस्तों, बताइए ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 क्वेश्चन का, तो पहला करेक्ट हो जाएगा भक्त। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा भक्त। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 27 क्वेश्चन का, जी बिल्कुल बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, खंडगिरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था दोस्तों, बताना है भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, 28 क्वेश्चन का, तो आप लोग सी करेक्ट है, कपिलवस्तु। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का डी करेक्ट हो जाएगा, सरन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, बुद्ध ने अपना मत उपदेश समानता किस भाषा में दिया, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30 क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आप लोग का पहला करेक्ट हो जाएगा, पाली में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर थोड़ा ऊपर करते हैं, बोध गया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है, तो आप लोग बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लो, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बताना है इससे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी देख लीजिए, तो आप लोग का पहला करेक्ट हो जाएगा सम्यक आचरण से। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लो, अजंता गुफाओं का निर्माण किसने किया था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजंता गुफाओं के निर्माण किसने किया था, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो गुप्तों के काल में, तो ए करेक्ट है, गुप्तों काल में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अस्टांटिंग मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का बुद्ध के धर्म में। ठीक है, तो बी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, जातक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी देख लीजिए, तो आप लोग का बौद्धों का
सी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, तो वो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, बताना गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग सी करेक्ट हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है दोस्तों, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग सारनाथ भी सही है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा का पूजा पर जोर दिया दोस्तों, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 38 क्वेश्चन का, बिल्कुल आप लोग को बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग बी करेक्ट हो जाएगा महायान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के संबंध में अर्ध गोलाकार बौद्ध धर्म के अर्ध संबंध में अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले छोटा कर लेते हैं, टीले को क्या कहते हैं दोस्तों, बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 39 क्वेश्चन का, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग पहला करेक्ट है स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, निम्न में से कौन से बौद्ध धर्म के चित्ररत्नों में शामिल नहीं है दोस्तों, आप बताना है चित्ररत्नों में शामिल नहीं, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग बी करेक्ट है अहिंसा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीता का आयोजन किस शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग का डी करेक्ट हो जाएगा अजात शत्रु के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अजंता की चित्रकलाओं में किनकी मत कथाएं चरित है दोस्तों, बताना है ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का जातक के, तो सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 43 क्वेश्चन का, तो आप लोग का पहला करेक्ट हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 16 महाराजन पतों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ जानकारी मिलती है दोस्तों, बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी देख लीजिए, तो आप लोग का ए करेक्ट है अगुत्तर निकाय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 45 क्वेश्चन आ गया, देखिए जो आप लोग का 45 सो गाइस बताना है आप लोग का, हरियक वंश से किस शासक को कुटिक कहा जाता है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा जा शत्रु। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार देख लेते हैं, नंदवंश ने शासन किया दोस्तों, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस 46 क्वेश्चन का, तो आप लोग का मगध पर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, अवंतिका मध्य प्रदेश में किस नगर का प्राचीन नाम है दोस्तों, बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो उज्जैन, तो भी करेक्ट है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए अगला क्वेश्चन हम देखिए आ गया, इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी दोस्तों, बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी देख लीजिए, तो आप लोगों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सी करेक्ट होगा, तो साली। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग का सी करेक्ट मौर्य। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का बी चाणक्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अपने साम्राज्य के विस्तार के चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी दोस्तों, बताना है ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग सी करेक्ट है चाणक्य ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, ऊपर के लिए थोड़ा, निम्नलिखित में से किस ग्रीस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग डी करेक्ट है सेल्यूकस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था दोस्तों, बताइए कौन है वो, ए बी सी डी देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो आप लोग का चंद्रगुप्त पहला करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखें, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन थी दोस्तों, बताना है ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का पहला करेक्ट है राजगिरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, इनके शासनकाल के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने मत सिद्धांतों के प्रवचन किया दोस्तों, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस 55 क्वेश्चन का, तो आप लोग का बी करेक्ट होगा बिंबिसार ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा
अशोक ने इसके मतलब सहयोग में मौर्य सिंहासन ग्रहण किया। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 56 क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको का डी करेक्ट है, राधा गुप्त। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अशोक किस वंश से संबंधित है दोस्तों बताना है। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का सी करेक्ट है, मौर्य वंश के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार लेते हैं, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का डी करेक्ट है, अशोक ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, इनमें से किस स्थान पर निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ाया गया था। दोस्तों बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इस 59 क्वेश्चन का तो आप लोग का सी करेक्ट है, टॉली और थाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 60 क्वेश्चन, किसके प्रत्ययंतों में बौद्ध धर्म एक मतलब वैश्विक धर्म बना। दोस्तों बताना है, इसके प्रयत्नों में बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग अशोक के बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अशोक के लहू शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल में प्राप्त हुए। दोस्तों बताना है, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी में, तो सिद्धपुरा में, रूपनाथ में और जतिंग रामेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस 62 क्वेश्चन का बहुत लाजवाब अशोक ने कराया था। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लें, सांची किसकी काल में मूर्ति कला का निरूप करता है। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी देख लीजिए 63 क्वेश्चन का, तो आप लोग का बी करेक्ट है बहुत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाए, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का पहला करेक्ट हो जाएगा, बृहद। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लें, निम्नलिखित में से भारत नहीं आया था। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल तो आप लोग का बी करेक्ट है। ठीक है, कोलंबस ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख ले, पांडिनी का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों बताना है, पांडिनी का संबंध किस क्षेत्र से, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का बी करेक्ट, संस्कृत व्याकरण से। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने मतलब अश्वमेध यज्ञ किया था। दोस्तों बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 67 क्वेश्चन का, आप लोग का सी करेक्ट है, पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग को बताइए इसका करेक्ट पहला हो जाएगा, देवहूति ने। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, गुप्त काल में किस भाषा को हम प्रोत्साहन दिया गया। दोस्तों बताइए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस 69 क्वेश्चन का, तो आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, सुशर्मा ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लो, गुप्त काल में किस भाषा का दोस्तों उत्थान किया गया था, तो फारसी भाषा में, सी करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोगों का फारसी भाषा संस्कृति भाषा है। तो गुप्त काल में किस भाषा का प्रोत्साहन किया गया दिया गया, तो संस्कृति भाषा, याद रखिएगा दोस्तों, यूलिया का मत। अलग और इसी प्रकार देखते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस 70 क्वेश्चन का, तो आप लोग तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो गाइस राजतंत्रात्मक, तो ए करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, सकंदन गुप्त की मृत्यु कब हुई थी। सिकंदन गुप्त की मृत्यु कब हुई थी, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का पहला करेक्ट है, 467 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का संबंधित प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस 72 क्वेश्चन का, तो आप लोग का बिल्कुल आप लोग का भी करेक्ट है, नालंदा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए नालंदा, तो ये कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था। दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाए, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का गुप्त काल में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, नवरत्न किसके शासन काल में संबंधित है। दोस्तों बताना है, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग को बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप डी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त सेकेंड में। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। 75 क्वेश्चन, कालिदास किससे प्रसिद्ध है? तो उसको बताना है किससे संबंध, सॉरी कालिदास किससे संबंध है। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ सुगाइस, अगला क्वेश्चन दे दिया 76 क्वेश्चन। बारहमीर थे दोस्तों एक महान, तो दोस्तों बताइए कौन थे। तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप लोग कौन थे, वो एक सी करेक्ट है, खगोलविद, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। हरी सेड निम्न में से किससे मतलब राज कवि थे? दोस्तों बताना है निम्न में से किनके राज्य कवि थे। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग का बी करेक्ट है, समुद्रगुप्त का। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। कनिष्क किस वंश का राजा था? दोस्तों बताना है 78 क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग का सी करेक्ट हो जाएगा, कुशाण के। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन थे? दोस्तों बताना है ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग का कुशाण राजा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखिए 80 क्वेश्चन। चरक थे एक मतलब विख्यात, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 80 क्वेश्चन का। तो आप लोग का चिकित्सक बी करेक्ट है, ठीक है, चिकित्सक। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय खेतों को घटी यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था, ये किसके लेखकों द्वारा ज्ञात हुआ? दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग का ये करेक्ट रहेगा, हेनसांग ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए बी सी देख लीजिए। तो आप लोग का पुलकेशिन द्वितीय ने, मतलब डी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना मतलब शासन कहाँ शुरू किया? दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो प्रतिष्ठान में, तो सी करेक्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। तंजोर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया या कि नहीं किया? दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 84 क्वेश्चन का। तो आप लोग का राजा चोल ने, तो आप लोग का बी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, माउंट आबू में मतलब दिलवाड़ा मंदिर है? दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, किसका है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर। तो ए बी सी डी देख लीजिए इस 85 क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग का जैन मंदिर, मतलब सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। 11वीं सदी का चोल चित्रकाम किस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वो है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 46 क्वेश्चन का। तो वो है तंजावुर, तो सी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। चोल राजाओं के जिन्होंने तमिलनाडु से शासन किया, उसका मतलब शिलालेख 400 विविध प्रकार के संबंध रखता है। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 87 क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आप लोग का पहला करेक्ट है, करका। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 88 क्वेश्चन का। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रथम सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो ए बी सी विजय पाया था। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग राजेंद्र वन ने, ठीक है, वही प्रथम ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, चोल शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 90 क्वेश्चन का। तो आप लोग का बी करेक्ट है, ग्रामीण मतलब स्वतंत्रता। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आप लोग का पहला करेक्ट हो जाएगा वातापी में, ठीक है दोस्तों, पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। पल्लो राजाओं की राजधानी थी? दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 92 क्वेश्चन का। आप लोग का कांचीपुरम में, तो मतलब सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, दक्षिण भारत के द्वीप कल्लप में मतलब त्रिवेंद्रम पद्धति के स्थापित और शिप्ल का आरंभ करने वाले थे? दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 93 क्वेश्चन का। तो पल्लो, तो सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, सात पांडों के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट पर बने गए मंदिर बनाने वाले थे? दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 94 क्वेश्चन का। बिल्कुल आप लोग का सी करेक्ट है, पल्लो है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, ब्रह्मा विष्णु और रमेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा,
सुचिंतरम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लो, प्रसिद्ध प्रसिद्ध शैलो त्रिकृत प्रसिद्ध शैलो तक्रीट पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाए 96 क्वेश्चन का, तो आपका एलोरा मतलब सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग का पहला करेक्ट है भुवनेश्वर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, ऊपर के लिए थोड़ा, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग को बताइए किसने बनवाया था, तो आप लोग का डी करेक्ट है, अवनीत वर्मन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, कोडार किस के लिए प्रसिद्ध है, कोडार मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 99 क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल आप लोग का पहला करेक्ट है सूर्य मंदिर के लिए। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, प्रसिद्ध खुजरुआ का गुफाएं है स्थित है। दोस्तों बताना है खुजरुआ गुफाएं स्थित है तो कहाँ पर है, अभी सभी को पता होगा, तो आप लोग का यह करेक्ट है मध्य प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, भगवान शिव के 8वां अवतारों में किसने गिना जाता है। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो आप लोग का पहला करेक्ट है लकुलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 102 क्वेश्चन, लिंगायत हिंदू का वह वर्ग है जो भगवान को पूजते थे। दोस्तों ये बताइए ए बी सी डी लिख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 102 क्वेश्चन का, तो बिल्कुल शिव डी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों बताइए अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ए बी सी डी लिख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आचार्य विट्ठल नाथ, तो ये करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख रहे हैं, संत कवि किसके शिष्य थे। दोस्तों बताइए संत कवि किसके शिष्य थे, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का रामनंद मतलब कि बी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, सैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या है। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी देख लीजिए, तो आप लोग का चार मतलब कि डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, दक्षिण भारत के अलवार थे। दोस्तों बताए अलवार थे, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो संत मतलब सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 107 क्वेश्चन, अवैध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का श्री शंकराचार्य मतलब बी करेक्ट है आप लोग का। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में कौन संत पैदा हुए थे। दोस्तों बताइए नदिया जिला में कौन संत पैदा हुए थे, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, तो आप लोग का तो ए करेक्ट है, चैतन्य प्रभु ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार सूफी, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का इस्लाम से मतलब सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से इस्लाम के प्रवर्तक इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो किस वर्ष में पैदा हुए थे, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 110 क्वेश्चन का, तो आप लोग का 570 ईस्वी में। ठीक है, तो डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का पहला डी करेक्ट है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, मोहम्मद गजनबी द्वारा भारत का पहला आक्रमण किया था, मोहम्मद गजनबी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो कब किया था, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 112 क्वेश्चन का, बिल्कुल आप लोग को बताइए, तो आप लोग का 1000 ईस्वी में सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का 17 बार सॉरी सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। दोस्तों बताएं विद्वान भारत के मोहम्मद गजनबी के साथ आया था, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 14 क्वेश्चन का, तो आप लोग का पहला करेक्ट अल परूनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। दोस्तों बताना है ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 115 क्वेश्चन का, तो आप लोग का फिर दो सी बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बताइए ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 116 क्वेश्चन का,
तो बी करेक्टर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शासन दास राजवंश से संबंधित है। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, तो आप लोग ये करेक्ट है तो इल्तुतमिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लगती थी, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, तो आप लोग पुत्री लगती थी, बी करेक्ट है। तो ये रजिया सुल्तान जो कि प्रथम सल्तनत पर गद्दी पर बैठने में दिल्ली सल्तनत पर प्रथम महिला बैठने वाले रजिया सुल्तान थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इससे पहले देख लेते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक था, ये तो ये क्वेश्चन आ गया तो रजिया सुल्तान। ठीक है, हम ही बोले थे। तो अगला क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण काल ने कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसने दिया था। दोस्तों बताइए किसने दिया जाता है। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, तो इल्तुतमिश। ठीक है, बी करेक्ट है, मतलब कि ये कार्य स्टार्ट किए थे इल्तुतमिश, तो ये मर गए तो किसने पूरा किया था, कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया था, तो ये मर गए थे तो इसने ख़त्म किया कार्य, तो कौन बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार देख लेते 121 क्वेश्चन, तो 121 क्वेश्चन देख लीजिए, तो दिया चंगेज़ खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। दोस्तों बताइए कौन सा करेक्ट है, चंगेज़ खान, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, इल्तुतमिश का। ठीक है, तो बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से पर सल्तनत काल का कौन सा शासक अंत विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण काल आता है। दोस्तों बताइए कौन सा करेक्ट हो, 122 क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आप लोग का मोहम्मद बिन तुलक, बी की करेक्ट है। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रकार दिल्ली का सुल्तान को जो भारत के नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण करने के प्रसिद्ध था, तो कौन था बताइए दोस्तों 123 क्वेश्चन का, तो आप लोग का सी करेक्ट है, फिरोज शाह तुलक ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अगला थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग को बताइए किस शासनकाल में बसाया था, तो ये करेक्ट है, सिकंदर लोदी ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, संतरण काल में बनाई गई इमारत है कुतुबुद्दीन ऐबक बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद मोती मस्जिद। सो गाइस 125 क्वेश्चन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग बताइए, तो आप लोग का पहला करेक्ट है कुतुब मीनार का। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो सबसे पास के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी हेल्प मिल सके। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 126 क्वेश्चन, बहमानी राज्य किस राज्य से अवसर युद्ध हुआ था। दोस्तों बताइए ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, 126 क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आप लोग बताइए 126 कौन सा पहला करेक्ट है, विजयनगर से। तो अगला क्वेश्चन इस पर क्या देख लेते हैं, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी देख लीजिए, तो आप लोग का डी करेक्ट हो, 1556 ईस्वी में, 65 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं, विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की थी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे दिया, तो अगला क्वेश्चन 126 क्वेश्चन दे दिया, बहमनी राज्य किस राज्य में अक्सर युद्ध हुआ था। दोस्तों बताना इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 126 क्वेश्चन ए बी सी डी देख लीजिए, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल तो आप लोग का पहला करेक्ट है विजयनगर से। ठीक है दोस्तों, विजयनगर से। सो गाइस अगला क्वेश्चन इसी पर का देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आगे देखिए, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। थोड़ा मेरी तबीयत डिस्टर्ब है दोस्तों, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना आप लोगों को। ठीक है, देखिए मेंटेन रखिएगा। सो गाइस पहला देखिए 127 क्वेश्चन दे दिया है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा सबसे करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग बताइए, तो आप लोग का डी करेक्ट है, 1565 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। दोस्तों ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 128 क्वेश्चन का, तो आप लोग का पहला करेक्ट है हरिकर बुक्का ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार 129 क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल तो बाबर थे, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, 130 क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। दोस्तों बताइए किनके बीच लड़ा गया, ए दिया शेरशाह सूरी, बी दिया, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग को बताइए 130 क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का सी करेक्ट होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो किसने विजय प्राप्त किया था, बाबर ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी पर क्या देख लेते हैं, बाबर ने किसी युद्ध में हारा नहीं था, ये याद रखिएगा, बाबर ने जितना युद्ध लड़ा तो वो सब में जीता है। तो अगला क्वेश्चन इसी पर क्या देख लेते हैं, 131 क्वेश्चन,
नीचे मुगल बादशाहों के नाम किस विशेष अनुक्रम में घोषित है, तो काल क्रम के दृष्टि से कौन सा क्रम सही है दोस्तों, बताना इसका दिया है। पहला ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का बी करेक्ट है, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी पर, ये सीरियल नंबर है, तो जो अगला क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। 132 क्वेश्चन, मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, ए बी सी देख लीजिए कौन सा उसमें करेक्ट हो जाएगा 132 क्वेश्चन का, तो आप लोग का सी करेक्ट है, हुमायूं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। 133 क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों, बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा उसमें करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। हुमायूं नामा रचा है, तो हुमायूं नामा रचना है दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा उसमें करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का गुलबदन बेगम की, ठीक है, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की दोस्तों, बताइए कौन सा राजा है दीन इलाही की स्थापना की, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 135 क्वेश्चन का, तो आप लोग का डी करेक्ट है, अकबर ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किससे किसे जाता है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी देख लीजिए, तो अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, मुगल शासक में मन सबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किनके द्वारा किया गया दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग, तो अकबर के, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, तुलसीदास निम्नलिखित में से किस राजत्व काल में रहते थे दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग सी करेक्ट है, अकबर के। ठीक है, तो सी करेक्ट है, अकबर का, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अकबरनामा के रचयिता कौन थे दोस्तों, बताना अकबरनामा की रचयिता कौन थे, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अबुल फाजिल। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबारी थे दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 140 क्वेश्चन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सो गाइस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग का डी करेक्ट होगा, अकबर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, डोरेमन किसके यहाँ वित्त मंत्री थे दोस्तों, बताइए डोरेमन किसके यहाँ वित्त मंत्री थे, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अकबर के। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, बीरबल के बचपन का नाम था दोस्तों, बताइए बीरबल के बचपन का नाम था, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 142 क्वेश्चन का, तो आप लोग का बी करेक्ट है, महेश दास। ठीक है, महेश दास, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्धों के आरंभ किए गए धार्मिक आंदोलनों का नाम क्या था दोस्तों, आंदोलनों का नाम क्या था, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 143 क्वेश्चन का, सो गाइस आप लोगों को बताइए ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, तो आप लोग का ए करेक्ट है, दीन एलाई। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकाल का अपने चरम पर थी दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग का बी करेक्ट है, जहांगीर के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, न्याय की चैन किसके मध्य स्थापित की थी दोस्तों, न्याय की चैन किसने स्थापित की थी, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो गाइस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी करेक्ट है, जहांगीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो कहाँ है दोस्तों, तो लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, ये लाहौर पाकिस्तान में। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने सबसे अधिक बाधक कौन था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने से सबसे अधिक बाधक मतलब दिक्कत कौन था दोस्तों, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये सी करेक्ट है, सर यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सरोड़ी युग में के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग डी करेक्ट है, शाहजहां। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लें, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया दोस्तों, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो गाइस बताइए किसने बनवाया, तो आप लोग शाहजहां ने, बी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग सी करेक्ट है, सभी को पता है मुमताज महल। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते, 151 क्वेश्चन, तो शाहजहां ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग
उस्ताद ईसा ने, मतलब बी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है दोस्तों, बताना है कहाँ पर स्थित है। ए बी सी लिख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में 152 क्वेश्चन का है, औरंगाबाद सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लो, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने किए बनाया था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 153 क्वेश्चन का। तो आप लोग का बी करेक्ट है, राजा जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ना ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सिख धर्म थे, सो गाइज आप लोग का सिख करेक्ट है, तेज बहादुर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो 155 क्वेश्चन को देते हैं। मशहूर यूरोपियन यात्री बर्नियर पेशा से क्या था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 155 क्वेश्चन का, सीगो चिकित्सक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, सो गाइस अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 156 क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था दोस्तों, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद शाह, मतलब डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 157 क्वेश्चन, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसने समाप्त हुआ दोस्तों, किसके साथ समाप्त हुआ अस्तित्व, किसके साथ समाप्त हुआ, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग बहादुर शाह जफर, डी सी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग का डी करेक्ट है, बहादुर शाह जफर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 159 क्वेश्चन, रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसने शासनकाल में डाला गया दोस्तों, ए बी सी डाला गया दोस्तों, बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 159 क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो शेर शाह सूरी, बी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने गॉट ट्रैक रोड का निर्माण करवाया था दोस्तों, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग शेर शाह सूरी सी करेक्ट है। सो गाइस अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 161 क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और मतलब प्रतिष्ठा पर थी दोस्तों, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस आप लोग का डी करेक्ट है, बालाजी वाजीराव। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 1809 ईस्वी में किस संधि ने अलग सिख समुदायों के एक मतलब पीढ़ी के लिए स्थित कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी और मोटे तौर पर सतलज नदी को किनारा रेखा के साथ किया। सो गाइस तो 162 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 1809 ईस्वी में किस संधि के आलंग सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थित कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 162 क्वेश्चन का। तो आप लोग बताइए 162 क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस तो आप लोग का पहला करेक्ट है अमृतसर की संधि, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, 163 क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संबंधित संधि के द्वारा दिया, तो बताइए ए बी सी डी लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग का बी करेक्ट है, पुरंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, द्वितीय पानीपत का युद्ध में मराठे से पराजित कौन हुए थे तीसरा युद्ध में पानीपत के, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग का बी करेक्ट है, अफगान, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 165 क्वेश्चन। सो गाइस अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 165 क्वेश्चन, गोरिल्ला युद्ध प्रतिपादित का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 165 क्वेश्चन का। सो गाइस शिवाजी, तो आप लोग का सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इस पर क्या देख लेते हैं, चौद नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 166 क्वेश्चन का। तो पहला करेक्ट है मराठों द्वारा। सो गाइस अगला क्वेश्चन सिख पर देख लेते हैं, 167 क्वेश्चन, सिख धर्म का स्थापना किसने की दोस्तों, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग का गुरु नानक ने, तो ए करेक्ट है। तो अगर जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी खत्म कर लेते हैं हम लोग, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई दोस्तों, ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 168 क्वेश्चन का। तो आप लोग का बी करेक्ट है, गुरु अगत के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, सिख
खालसा किसके द्वारा स्थापित किया था दोस्तों, वही ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आप लोग बताइए, तो आप लोग का बी करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने। तो अगला क्वेश्चन इसी पर क्या देख लेते हैं, 170 क्वेश्चन, तलवट्टी की स्थापना तलवट्टी के स्थान पर संबंधित व्यक्ति है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी करेक्ट है, गुरु नानक ने, गुरु नानक। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पर क्या देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन 171 क्वेश्चन देख लीजिए। तो किस गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है दोस्तों, बताइए कौन सा गुरु, अर्जुन देव को। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, सेना को संगठित करने का श्रेय किस गुरु को जाता है दोस्तों, बताइए कौन सा करेक्ट है 172 क्वेश्चन का। तो आप लोग का ये करेक्ट है, हरगोविंद सिंह को, मतलब गुरु हरगोविंद को। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय थे तो ए बी सी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है 173 क्वेश्चन का। तो आप लोग का डी करेक्ट है, पुर्तगाली। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, भारत के पश्चिमी किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक किस देश का था ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 174 क्वेश्चन का। सो आप लोग का गाइस, आप लोग का सी करेक्ट है, पुर्तगाल का। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुँचा दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 175 क्वेश्चन का। तो बताइए, तो आप लोग का डी करेक्ट है, 1498 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन इसी पर क्या देख लेते हैं, यूरोप से भारत को समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्तों, बताइए यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने, ए बी सी देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। तो बी करेक्ट है, वास्को डी गामा ने। तो अगला क्वेश्चन इसी पर क्या देख लेते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी दोस्तों, बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका की खोज किसने की थी 177 क्वेश्चन का। तो बी करेक्ट है, कोलंबस ने। तो अगला क्वेश्चन इसी पर क्या देख लेते, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को अनुक्रम अनुसार निर्दिष्ट करें, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैगरस्तानी अफगान या सेंट खांग या कुटी दे दिया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आप लोग का पहला करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए, और मतलब इन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज आप लोग का डी करेक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 180 क्वेश्चन का। तो आप लोग का डी करेक्ट है, 1600 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, 1745 ईस्वी में पांडिचेरी किस फ्रांसीसी गवर्नर थे दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला कर होगा डिप्ली। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया दोस्तों, बताइए कौन सा किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया दोस्तों। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग सी करेक्ट है, वांडीवास का युद्ध। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, दोहरे शासन की नीति ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दोहरे शासन की युद्ध ड्यूअल गवर्नमेंट 1762 में किस ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से आरंभ किया दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग का बी करेक्ट हो गया, बंगाल से। ठीक है, तो बी करेक्ट है, बंगाल से। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, चौथे मशहूर युद्ध के टीपू सुल्तान लड़ते शहीद हुए, ये युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 184 क्वेश्चन का। तो आपको सी करेक्ट है, 1799 ईस्वी में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्वस्त बनाया दिया था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी सी देख लीजिए, तो आप लोग का ए करेक्ट है, बक्सर के युद्ध का। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस टच गवर्नर ने अपनी मतलब राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदलिए दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग का पहला करेक्ट है, हेनरिक वॉन रेडी ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, प्लासिक लड़ाई में लॉर्ड कलवाई ने किसको हराया था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बताइए, तो बी करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग का बी करेक्ट है, सिराजु तोला को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार, निम्नलिखित में से किस गवर्नर को जनरल की हत्या हुई थी दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बहुत सी करेक्ट है, लॉर्ड मियो के।
लॉर्ड मियो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की दोस्तों, बताइए भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बी करेक्ट, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति के सिद्धांत को अपनाया था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग का सी करेक्ट होगा, लॉर्ड हरजोई के द्वारा, डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, निम्नलिखित में से किस ब्रिटेन व्यवसाय गवर्नर जनरल का सती पस्ता उल्लंघन का प्रमुख योगदान माना जाता है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड फैटिक के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार देख लेते हैं, सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 192 क्वेश्चन का। सो गाइस आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, 1857 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, वह पहला सिपाही जिसने मतलब चर्बी वाला करतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग का पहला करेक्ट होगा, मंगल पांडे। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते, 1857 ईस्वी का विद्रोह ए बी सी डी देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को बताइए, तो आप लोग का पहला करेक्ट है, ब्रिटेन शासन में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। तो ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, 1857 ईस्वी में सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोग बताइए कौन थे। ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आप लोग का सी करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, 1857 ईस्वी में विद्रोह के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा, तात्या टोपे के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते, शासन सन 1857 ईस्वी का गद्दर असफर रहा था क्योंकि, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, ए बी सी लिख लीजिए। तो आप लोग का ए करेक्ट आ जाएगा, ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 198 क्वेश्चन, चाचा के नाम से संपाद्यता किससे जाना जाता है तो बताइए। तो आप लोग का सी करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। तो गाइज अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, लोह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप लोग को सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, 200 क्वेश्चन देख लेते हैं, देशबंधु के नाम से कौन व्याख्यात थे दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आज 200 क्वेश्चन का। तो आप लोग का सी करेक्ट है, चिदंबरम दास ने सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग बताइए। सो गाइस आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी पर, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति लॉर्ड ओल्ड मैन के नाम के रूप में कौन थे, विख्यात है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 102 क्वेश्चन का। तो आप लोग का डी करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 203 क्वेश्चन, शेर पंजाब किसका उपनाम है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 203 क्वेश्चन का। सो गाइस आप लोग का बी करेक्ट, लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, लोकनायक उपन्यास है दोस्तों, बताना है 204 क्वेश्चन, लोकनायक उपन्यास है, ए बी सी डी लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग डी करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण का। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपन्यास सीमांत गांधी है दोस्तों, बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 105 क्वेश्चन का। तो आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। सो गाइस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 206 क्वेश्चन का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग बताइए, तो आप लोग हो जाएगा विवेकानंद, तो आप लोग का बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, 207 क्वेश्चन, भारत सेवक साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों, बताना है, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग बताइए, तो आप लोग का डी करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 208 क्वेश्चन, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों, बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 208 क्वेश्चन का। तो आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी शिवनंद ने। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 209 क्वेश्चन, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बताना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग का डी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है दोस्तों, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 210 क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1828 में हुई दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 210 क्वेश्चन का। बिल्कुल आप लोग का सी करेक्ट है, ब्राह्मण समाज। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं,
महाराष्ट्र में निम्नलिखित साम्राज्य सुधारों में से कौन प्रथम साम्राज्य के स्थापक मुखिया थे? दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ए बी सी देख लीजिए कुछ 111 क्वेश्चन का। तो आप लोग एम जी नडा रनाडे, ठीक है, एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार वेद समाज निम्नलिखित संबंध था? दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो 112 क्वेश्चन का। सो गाइस आप लोग का बी करेक्ट है, केशवचंद सेन है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आर्य समाज का संस्थापक है? दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो 213 क्वेश्चन का। सो गाइस आप लोग का सी करेक्ट है, दयानंद सरस्वती। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, सत्य शोधक साम्राज्य का स्थापना किसने की? दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 214 क्वेश्चन का। सो गाइस आप लोग का सी करेक्ट है, ज्योतिबा फूले, ठीक है दोस्तों आप लोग सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? दोस्तों बताना है शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो बताइए 215 क्वेश्चन का। तो आप लोग का बी करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आज का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 216 क्वेश्चन के साथ आप लोग का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 16 से स्टार्ट करते हैं और 216 कंप्लीट करते हैं, मतलब 200 क्वेश्चन आप लोग का टोटली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF लोगों को मिल जाएगा डायरेक्टली। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल नए देख रहे हैं तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो किस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, बस मेरे मोटिवेशन और बनता है। तो 216 क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? बताना है भूदान के आंदोलन किससे संबंधित है। ए बी सी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो पहला करेक्ट हो जाएगा, विनोबा भावे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, अगले नेक्स्ट बार क्वेश्चन में। तब तक की जय हिंद जय भारत।